वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। राजनीतिक गठजोड़ों ने भी अपने स्तर पर अपराधीकरण में वृद्धि की है। गठजोड़ों की राजनीति में समस्त सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी गई है। परस्पर विरोधी सिद्धांतों वाले दलों तथा एक दूसरे के जानी दुश्मनों को एक साथ चलाने वाली पटरी केवल अपराध वृत्ति ही हो सकती है। भ्रष्टाचार रूपी सीमेंट इन्हें एक साथ चिपकाए रखता है। गठजोड़ की राजनीति में क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण तो हुआ ही है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय भावना का क्षरण भी हुआ है। इसने समस्त मानव मूल्यों एवं मानवाधिकारों को धता बता दिया है। क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, जातीयता, स्वार्थपरता आदि की आधार भूमि पर अपराधी तत्वों का वर्चस्व स्वाभाविक है। राजनीतिज्ञ अपराधी गठजोड़ पर वोहरा रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार यह है कि देश के अपराधियों के गिरोहों, हथियारबंद सेनाओं, तस्करों के गिरोहों, नशीली दवाओं के व्यापारियों और आर्थिक लाभियों को का काफी विस्तार हो चुका है और इन्होंने अफसरशाही सरकारी संस्थाओं, राजनीतिज्ञों, मीडिया के कुछ लोगों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संपर्क का व्यापक जाल बना लिया है। इनमें से कुछ गिरोहों का विदेशी खुफिया एजेंसियों से भी संबंध है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव लड़ने में व्यय किया जाने वाला खर्च राजनीतिज्ञों को इन तत्वों की शरण में ले जाता है और इस तरह अपराधों की जांच के काम में भी कोताही आ जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि पतित हो चुकी इस व्यवस्था में अब सुधार की गुंजाइश ही नहीं रही। सुधार के प्रयास तो हो ही सकते हैं और यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये प्रयास होंगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। सर्वप्रथम मतदाताओं को वास्तविकता के प्रति जागरूक होना चाहिए। तदुपरांत बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे तटस्थ भाव से अपने मत का प्रयोग तभी कर सकेंगे जब वे किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ, लोभ, लालच के वशीभूत नहीं होंगे। भ्रष्ट व्यक्तियों को चुनने वाले भी भ्रष्ट होने चाहिए। हमारी चुनाव प्रणाली में इस प्रकार के सुधार किए जाएं कि वह इतनी व्यय साध्य न रह जाए। यदि ऐसा हो जाए तो चारों ओर की जन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं का रूप देना चाहिए तथा राजनीतिक समस्याओं को भी इन पर आधारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को सोच लेना चाहिए कि बस जब तक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति राजनीति में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार असंभव है। इसके साथ ही अपराधी पृष्ठभूमि वाले राजनीतिज्ञों को बहिष्कृत करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। सत्ता से जुड़े हुए अधिकारों तथा सुख सुविधाओं में कमी की जानी चाहिए। इस संदर्भ में गांधी की शिक्षाओं को अधिक से अधिक व्यवहार में लाया जाना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सेशन ने
किस दिशा में जो प्रयत्न किए थे उन्हें पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए तथा इस संदर्भ से जुड़े अन्य प्रयत्न भी किए जाने चाहिए। राजनीति, नौकरशाही और माफिया के त्रिभुज ने देश को जकड़ रखा है और उसे उजाड़ दिया है, विशेषकर उसके नैतिक जगत को। इस त्रिभुज के बल पर देश में समानांतर सरकार, विशेषकर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। देश की खुफिया और कानून की देखभाल करने वाली व्यवस्था के मध्य तालमेल स्थापित करना परम आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि समस्त राजनीतिक दल अपने लिए एक समान आचार संहिता बना लें और तदनुसार आचरण करें। बुद्धिजीवी वर्ग जनता को सम्यक मताधिकार प्रयोग के प्रति शिक्षित करें। चुप और तटस्थ रहने वाला बुद्धिजीवी कर्तव्यच्युत एवं उत्तरदायित्व विमुख माना जाता है। भावी संतान इसके लिए उसे कदापि क्षमा नहीं करेगी। राजनीति का अपराधीकरण जितना भयंकर रूप धारण कर चुका है, उसके निराकरण के लिए उतने ही दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। स्टॉप।